आज की इस 42वीं सेमिनार के अंदर इस संस्था के अध्यक्ष राजेश वशिष्ठ जी और जो यहाँ जिन्होंने लंबे समय तक रेडिएशन के अंदर अपना लगातार काम किया, ऐसे केटिक भौमिक जी, मनोज गुप्ता जी, जीवी गिरी जी, वी श्रीनिवासन जी, रोटेरियन अजय गर्ग जी, मनीष जी, इस संस्था के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी मनीष पांडे जी, मैं सबसे पहले इस 42 वार्षिक सम्मेलन एसोसिएशन ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया के इस सम्मेलन में पधारे सभी चिकित्सकगण, जो विद्यार्थी MD कर रहे हैं इस विषय में, वह सभी विद्यार्थीगण, आप सबका स्वागत करता हूं। ये एसोसिएशन पिछले 4 दशक से लगातार रेडियोलॉजी शिक्षण में, क्लिनिक प्रैक्टिस के अंदर अपने समग्र मानकों को उच्चतम स्तर पर पहुंचाने के लिए लगातार समय समय पर सेमिनारों के माध्यम से, चर्चाओं संवाद के माध्यम से किस तरीके से हम देश के अंदर कैंसर का बेहतर इलाज कर सकते हैं, एक समग्र दृष्टिकोण इस क्षेत्र के सभी विशेषज्ञों का आए और इस समग्र दृष्टिकोण सरकार को दे, ताकि जो सरकार की पॉलिसी है एक ग्रिड पर कैंसर के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके सुझावों को ला सके, और इसके लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है। इस एसोसिएशन में 4,500 से ज्यादा सदस्य लगातार सक्रिय रूप से अपनी भागीदारी निभा रहे हैं और लगातार अपने चर्चा संवाद, नए इनोवेशन, नए रिसर्च, बदलती हुई आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी और जो कुछ भी ज्ञान का अनुभव किया है, उस अनुभव को साझा करना, विचार विमर्श करना, दुनिया के और देशों से जहाँ इस विषय पर बेहतर रिसर्च हुआ है, नए इनोवेशन हुए, उनके अनुभवों को साझा कर हम किस तरीके से हमारे पास आने वाले मरीज का एक बेहतर इलाज कर उसको कैंसर जैसी महामारी से स्वस्थ कर सकें। और इसीलिए आप 4 दिन तक इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे और जो नई बदलती परिस्थितियों के अंदर जो मेडिकल साइंस में जो नए परिवर्तन हुए हैं, रेडिएशन टेक्नोलॉजी में नए परिवर्तन हुए हैं, उसमें आपस में साझा कर
एक नई दिशा, एक समग्र दृष्टिकोण से हम किस तरीके से कैंसर पर नियंत्रण भी कर सकते हैं और पोस्ट केयर उसका बेहतर इलाज भी कर सकते हैं। और इसीलिए आपने उन सारे केसेंस पेशेंट को भी बुलाया यहाँ पर, उनके अनुभव भी साझा किए और किस तरीके से उन पेशेंटों के माध्यम से समाज में एक दृष्टिकोण दे सकें कि कैंसर से डरना नहीं है, निराश नहीं होना है, लड़ना है और लड़कर जीतना है। मुझे लगता है कि आज मेरे सामने जो विद्यार्थी बैठे हैं वह इसी दृष्टिकोण से विचार कर रहे हैं कि एक समय आएगा जब हम कैंसर पर नियंत्रण कर लेंगे और कोई बीमारी हुई भी तो उसको सकुशल और स्वस्थ कर देंगे। ये हमारे नौजवानों विद्यार्थियों की सोच है, विचार है और मुझे आशा है कि उनकी इस चुनौती को अपने बौद्धिक सामर्थ्य से, अपने नई टेक्नोलॉजी से, नए इनोवेशन से, नए रिसर्च से, बदलती परिस्थिति में जब दुनिया एक हो गई है उस समय जहाँ भी इस क्षेत्र में बेहतर रिसर्च हुआ है उसको मेरे नौजवान अनुभव करेंगे, साझा करेंगे। क्योंकि अभी मैं यूएस गया था तो मैंने देखा था कि भारत के विद्यार्थी वहाँ पर किस तरीके से कैंसर की नई नई बीमारियों पर रिसर्च कर रहे हैं और उनका सोच है कि एक दिन हम इस कैंसर की बीमारी पर नियंत्रण कर पाएंगे और बेहतर इलाज कर पाएंगे। हर चुनौती से लड़ने की सामर्थ्य और शक्ति भारत के नौजवानों में है और हर चुनौतियों का समाधान हमारे पास है। आज हम इसी दृष्टिकोण से भारत आगे बढ़ रहा है कि दुनिया और वैश्विक स्तर पर जो चुनौती होगी उस चुनौतियों का समाधान भारत से निकले, ये सामर्थ्य हमारे नौजवानों में है। क्योंकि दुनिया के अन्य देशों के अंदर भी कैंसर महामारी तेजी से फैल रही है, भारत में भी लगातार मैं देखता हूं कि कैंसरों की मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो हम सबके लिए चिंता का विषय है। कई राज्य तो मैं तो जिस तरीके से तेजी से कैंसर फैल रहा है वह हम सबके लिए चुनौती है, लेकिन इस चुनौतियों के साथ साथ हम उसका बेहतर इलाज भी का भी इनोवेशन कर रहे हैं। और जिस तरीके से हमारे खान पान में, हमारे रहन सहन में, हमारी दिनचर्या के अंदर फर्टिलाइजर अन्य चीजों के अत्यधिक उपयोग और कैंसर के कई कारण हैं जिन कारणों को तो आप बेहतर तरीके से जानते हैं क्योंकि आप इस विषय पर अध्ययन अध्यापन रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन सामान्य दिनचर्या में जो बात आती है वो कैंसर के होने के प्रमुख कारण तंबाकू भी है और विशेष रूप से खान पान भी है। इसलिए आपकी ये सेमिनार केवल आपके लिए नहीं पूरे देश के लिए है। आप देश की जनता को कैंसर रोकने के लिए और कैंसर होने के कारणों का
एक व्यापक दृष्टिकोण देने का काम करेंगे, ताकि देश के हर व्यक्ति को सजग कर सके, सतर्क कर सके, ताकि वह अपनी जीवन शैली को परिवर्तन करे और कहीं धूम्रपान और का अत्यधिक उपयोग कर रहा है तो उस पर भी नियंत्रण करें। और इसके लिए लगातार आपके प्रयास जारी हैं। अभी मुझे डॉक्टर राजेश वशिष्ठ बता रहे थे, उनकी चिंता वाजिब थी कि एक मरीज को कैंसर होने के बाद उसको इलाज करने के लिए बहुत दूर तक जाना पड़ता है। एक तो कैंसर से लड़ना, दूसरे गरीबी के हालात, व्यापार करना, उद्योग चलाना, छोटा व्यापार करना, छोटी नौकरी करना, आर्थिक रूप से कमजोर हालात, लंबे समय तक कैंसर का इलाज और फिर अस्पताल की ज्यादा दूरी, इसके लिए डॉक्टर राजेश बड़ी चिंता कर रहे थे। और हमारे मार्गदर्शक मंडल के डॉक्टर भी कह रहे थे कि बहुत दूरी होने के कारण एक मरीज को बहुत परेशानी आती है, और उनका दृष्टिकोण अच्छा है कि उन्होंने डॉक्टरों का नहीं, एक मरीज की तकलीफ को समझा है, एक मरीज की परेशानी को समझा है। क्योंकि उनसे जब मरीज आकर मिलता है तो उनके आर्थिक हालात भी जानते हैं, किस तरीके से वह अपने घर के परिवार को चलाता है, फिर इलाज कराता है, दो 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 स्थानों पर, दो दो मोर्चों पर उसको लड़ाई लड़नी पड़ती है, इसके उसकी तकलीफ को जानते हैं। सरकार भी इसके लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है, कोशिश कर रही है कि हम हर मेडिकल कॉलेज के अंदर उसकी इलाज के लिए बेहतर मशीन लगाएं, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा पार्ट जो इलाज का है वह आप हैं और बेहतर मशीन है। जितनी बेहतर मशीन होगी, आधुनिक मशीन होगी, उतना ही बेहतर आप इलाज कर पाएंगे। और हर डॉक्टर की ये मंशा रहती है, हर डॉक्टर का ये भाव रहता है कि मेरे पास कोई पेशेंट आया है तो मैं उसको स्वस्थ कर भेजूं। ये एक ही पेशा ऐसा है जहां पर मरीज की चिंता करना और जितनी भी अपनी शिक्षा, शोध, रिसर्च है उसका उपयोग करते हुए मरीज को स्वस्थ करने के लिए भरपूर प्रयास करना, ये एक हमारे हिंदुस्तान के डॉक्टरों की नैतिकता है। और इसी नैतिकता के कारण उनका समाज में सम्मान भी है, और ये नैतिकता बनी रहे। हम सब रेडिएशन की नई थेरेपी का उपयोग करें ताकि साइड इफेक्ट ना हो, क्योंकि रेडिएशन की मैंने पुरानी मशीनों को देखा है कि किस तरीके से उसके साइड इफेक्ट होते हैं, लेकिन मैंने नई मशीनों को भी देखा है, कम साइड इफेक्ट से बेहतर इलाज हम कर सकते हैं, और जिसके लिए हमें उपयुक्त संसाधनों की आवश्यकता है। चिकित्सा में कोरोना के बाद चिकित्सा तंत्र में व्यापक सुधार आया, लेकिन जितनी बड़ी हमारी आबादी, जितना बड़ा हमारा भौगोलिक क्षेत्र,
उसके कारण अभी हमें चिकित्सा के अंदर एक व्यापक बदलाव करना पड़ेगा। हमें संसाधन जुटाने पड़ेंगे, डॉक्टर तैयार करने होंगे। सरकार ने नए एम्स खोले हैं, मेडिकल कॉलेज, हर जिले में मेडिकल कॉलेज की खोलने की योजना है और करीबन करीबन हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज खोलने के प्रयास पूर्ण होने की दिशा में सरकार गंभीरता से प्रयास कर रही है। आपने जो सुझाव दिया है उस सुझाव को मैं सरकार तक पहुंचाऊंगा कि हर मेडिकल कॉलेज के अंदर बढ़ते कैंसर मरीजों के कारण हम अत्याधुनिक मशीनें लगाएं, रेडिएशन थेरेपी की मशीनें लगाएं ताकि बेहतर रूप से इलाज हो सके। और इसके लिए हमें व्यापक रूप से काम करने की आवश्यकता है और इसीलिए सरकार ने निजी संस्थाओं, सामाजिक संस्थाओं से भी सहयोग लिया है। कई सामाजिक संस्थाएं भी इस विषय पर काम कर रही है और नेशनल कैंसर ग्रिड एक तंत्र स्थापित होगा ताकि संपूर्ण देश की जानकारी हो पाएगी किस राज्य में कैंसरों की मरीज की संख्या बढ़ रही है, क्या हमें संसाधनों की आवश्यकता है, कहाँ डॉक्टरों की आवश्यकता है। और मुझे लगता है कि हमारे नए डॉक्टर्स नए रिसर्च, नए इनोवेशन के साथ बेहतर काम करेंगे और हम सब कोशिश करेंगे कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक जो सरकार की मंशा है हेल्थ फॉर ऑल, उस मिशन को पूरा कर पाएंगे। और हमारे जितने भी कैंसर के पेशेंट हैं उन कैंसर के पेशेंट को हम बेहतर इलाज देंगे। कुछ इलाज मशीनों से होता है, कुछ इलाज मनोविज्ञान से होता है और हमें दोनों को संतुलित बनाते हुए उसके मन विचार में लड़ने की क्षमता पैदा करना और लड़कर जीतेंगे ये आत्मविश्वास पैदा करना, इसमें भी डॉक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है। मैं पुनः आपके इस 42वें नेशनल कॉन्फ्रेंस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आपकी संस्था देश के हित में, जनता के हित में एक समग्र दृष्टिकोण दे रही है कैंसर के होने वाले कारणों को जनता को बताना, नए रिसर्च, नए इनोवेशन करना। सरकार ने भी इस दिशा के अंदर काम किया है कि बीमारी होने के पहले, बीमारी होने के कारणों, उनके रिसर्च पर भी सरकार ने काफी अनुसंधान किया है और अभी और अनुसंधान करने के प्रयास कर रही है। और उसके साथ फिर समग्र रूप से बेहतरीन इलाज करना और जो स्वस्थ हो गए हैं उनके मॉडल कैंसर पेशेंट को बताकर उनके हौसले को बुलंद करना, उनमें लड़ने की समग्र शक्ति पैदा करना। और राष्ट्र के लिए जो आपका एक कर्तव्य दायित्व निभा रहे हैं यही हमारी सामूहिकता की ताकत है कि हम अगर सामूहिकता से काम करेंगे, सब मिलकर काम करेंगे, सब अपने अपने दायित्व कर्तव्यों को निभाएंगे, राष्ट्र के प्रति समर्पित भाव से काम करेंगे तो हम हर बीमारी हो, हर संघर्ष हो, हर चुनौती हो उसका समाधान भी करेंगे और समाधान करते हुए वैश्विक स्तर पर भारत विकसित राष्ट्र बने, स्वस्थ रहे, कुशल रहें, इस लक्ष्य को भी
आप जैसे लोगों के प्रयास से पूरा होगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।